2011 में रिलीज हुई बैड टीचर एक बहुत ही बिगड़ी हुई टीचर की स्टोरी है जो बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर है और जिसे अपने टीचर की जॉब पसंद नहीं है। वो टीचर पैसों के लिए अमीर लड़कों को सेड्यूस करती है और यहाँ तक कि अपने काम निकलवाने के लिए वो कई सारे लड़कों के साथ सोती भी है। और फिर उसके साथ आगे क्या क्या होता है ये हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय को इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते हैं हमें एलिजाबेथ नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। एलिजाबेथ एक बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर है। एलिजाबेथ एक टीचर का जॉब भी करती है लेकिन उसे ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो चाहती है कि वो एक अमीर लड़के से शादी करके उसके पैसों से ऐश करे। एलिजाबेथ ने एक अमीर लड़के को फंसाया होता है और उसके साथ जल्द ही शादी भी करने वाली होती है, इसलिए वो अपने टीचर की जॉब को छोड़ देती है। इसके बाद स्कूल के सभी टीचर उसे फेयरवेल देते हैं और फिर एलिजाबेथ अपने हस्बैंड से मिलने उसके घर आती है। घर पर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ होता है। यहाँ पर एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड ने उसका सामान पैक करके रखा होता है। दरअसल एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड की माँ एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड को प्रूफ कर देती है कि एलिजाबेथ उससे प्यार नहीं करती, वो बस उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। एलिजाबेथ ये सब जानकर अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर जब उसकी माँ एलिजाबेथ से उसकी बॉयफ्रेंड के बर्थडे डेट के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ को अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे भी याद नहीं होता। ये देखकर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और फिर वो एलिजाबेथ से ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। अब एलिजाबेथ का अमीर लड़के से शादी करने का प्लान भी बर्बाद हो गया था और फिर 3 महीने बाद उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उसे फिर से उसी स्कूल में टीचर की जॉब करनी स्टार्ट करनी पड़ती है जहाँ उसने पहले छोड़ा था। स्कूल आते एलिजाबेथ की मुलाकात एमी नाम के एक दूसरे टीचर से होती है। एमी एलिजाबेथ से अच्छे से बात करने की कोशिश करती है लेकिन एलिजाबेथ उससे अच्छे से बात नहीं करती और वो उसे बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है और ये बात एमी को बहुत खराब लगती है। इसके बाद एलिजाबेथ एक दूसरे टीचर से मिलती है जो उसकी एक लौती स्कूल में अच्छी दोस्त है और फिर वो उसे कहती है कि वो जल्द ही किसी अमीर लड़के को फंसाएगी और ये टीचर वाली जॉब को छोड़ देगी। उसी रात को एलिजाबेथ एक बार में जाती है ताकि वो वहाँ पर एक अमीर लड़के को फंसा सके। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और फिर एलिजाबेथ उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो लड़का अमीर नहीं है तो वो उस लड़के को अपने पास से भगा देती है। उस रात उसे कोई भी अमीर आदमी नहीं मिलता और फिर वो अपसेट होकर घर जाकर सो जाती है। उस रात को उसे अच्छे से नींद भी नहीं आती और उसकी नींद पूरी नहीं होती। अब एलिजाबेथ स्कूल जाती है तो उसे बहुत आलस फील होता है और उसे बहुत नींद भी आती है, इसलिए वो क्लास में टीवी लगाती है और स्टूडेंट्स को टीवी देखने बोलकर वो क्लास में ही सो जाती है। अब लंच ब्रेक पर एलिजाबेथ कैंटीन जाती है तब वहाँ उसके पास स्कूल का जिम टीचर रसेल आता है। रसेल एलिजाबेथ को बहुत पहले से पसंद करता है लेकिन क्योंकि रसेल एक जिम टीचर है और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है इसीलिए एलिजाबेथ उसे भाव नहीं देती। फिर जब एलिजाबेथ कैंटीन से बाहर निकलती है तब वो एक हैंडसम टीचर को देखती है। उस टीचर का नाम स्कॉट होता है। स्कॉट ने बहुत महंगी घड़ी पहनी होती है जिसे देख एलिजाबेथ समझ जाती है कि स्कॉट बहुत ज्यादा अमीर है। फिर एलिजाबेथ स्कॉट से मिलती है तो उसे पता चलता है कि स्कॉट कुछ समय के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए आया है और उसे क्लास नहीं मिल रही है। एलिजाबेथ फिर उससे बात करती है तब उसे पता चलता है कि स्कॉट सिंगल है और इसके बाद स्कॉट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो एलिजाबेथ को दिखाता है। स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसका फिगर को देखकर एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो स्कॉट को इम्प्रेस करने के लिए अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाएगी। अब वो अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि सर्जरी में उसे टोटल $9,000 लगेंगे। ये सुनकर एलिजाबेथ शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती और वो अपने सभी दोस्तों को कॉल करके उधारी मांगती है। एलिजाबेथ के सभी दोस्तों को उसके करतूतों के बारे में पता था इसलिए कोई भी एलिजाबेथ को उधारी नहीं देता जिसे एलिजाबेथ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट एलिजाबेथ से कहती है कि 7th क्लास की टीम इस वीकेंड कार वॉश करवा रही है और पिछली बार इन लोगों ने कार वॉश करवा कर $6,000 कमाए थे। ये सुनकर एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और उसे अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने के लिए पैसे जुटाने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि इस बार कार वॉश वाले टीम को वो लीड करेगी लेकिन वो स्टूडेंट उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हर साल की तरह एमी भी इस साल कार वॉश टीम को लीड कर रही है। फिर एमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे अपनी बातों से सेड्यूस करके खुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। फिर जब कार वॉश का दिन आता है तो उस दिन एलिजाबेथ काफी छोटे कपड़े पहनकर आती है जिसे बाकी सारे मर्द सेड्यूस हो जाते हैं और काफी लोग कार वॉश के लिए आते हैं। इस कार वॉश से एलिजाबेथ ढेर सारे पैसे कमाती है और वो इनमें से कुछ पैसे चोरी करके अपने पास रख लेती है लेकिन एलिजाबेथ को ऐसा करते हुए एमी देख लेती है और फिर वो इसके बारे में प्रिंसिपल को भी कंप्लेन करती है लेकिन क्योंकि एमी के पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ भी एविडेंस नहीं होता इसलिए प्रिंसिपल एमी की बातों को सीरियसली नहीं लेते। इसके बाद एमी एलिजाबेथ से काफी ज्यादा चिढ़ जाती है
होती है। और फिर जब एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही होती है तो एमी वहाँ पर आती है और वो जानबूझकर एलिजाबेथ की बेइज्जती करने के लिए वो एलिजाबेथ के ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने वाली बात स्कॉट को बोल देती है। पर स्कॉट ऊपर से एलिजाबेथ को ऐसे करने के लिए उसे तारीफ करता है और यहाँ पर एमी का प्लान फेल हो जाता है। फिर धीरे धीरे एलिजाबेथ के लाइफ में सब चीजें ठीक होने लगती है। स्कूल में पेरेंट्स भी एलिजाबेथ को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सके। एलिजाबेथ सभी पैसों को अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने के लिए बचा के रखती है। फिर एक बार स्कूल के विंटर पार्टी में स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करता है। ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह से टूट जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एलिजाबेथ स्कूल के जिम टीचर रसेल से मिलती है और दोनों काफी देर बातें करते हैं और दोनों में अच्छा बॉन्डिंग भी बनने लगता है। इसके कुछ दिन बाद विंटर वेकेशन में एलिजाबेथ के एक स्टूडेंट के पेरेंट्स एलिजाबेथ को अपने घर डिनर के लिए बुलाते हैं। इस स्टूडेंट का नाम गैरेट होता है। गैरेट सभी को कहता है कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रोजी को पसंद करता है और वो उसे प्रपोज करने वाला है, जिसके लिए गैरेट ने एक पोएम भी लिखा हुआ होता है। ये जानकर एलिजाबेथ अकेले में गैरेट से कहती है कि रोजी तुमसे कभी नहीं इम्प्रेस होने वाली। दरअसल एलिजाबेथ भी पहले स्कूल में सबसे हॉट लड़की थी और उसे पता था कि कोई भी लड़की गैरेट जैसे लड़के को डेट नहीं करना चाहेगी। फिर इसके कुछ दिन बाद स्कूल में स्कॉट एलिजाबेथ से मिलता है और फिर वो उसे अपने एक बार पार्टी में इन्वाइट करता है। रात को एलिजाबेथ बार पार्टी में जाती है। इस पार्टी में रसेल भी आया हुआ होता है और फिर इस पार्टी में स्कॉट गाना गाने लगता है और गाना गाते हुए वो एमी को प्रपोज करता है। एमी ये सब देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और दूसरी ओर ये सब देखकर एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने दोस्त को लेकर इस पार्टी से निकल जाती है। एलिजाबेथ के दोस्त कार के अंदर एलिजाबेथ को बताती है कि स्कूल में एक टेस्ट होने वाला है और जिस टीचर की स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाएगी उस टीचर को $5,700 इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर फिर से एलिजाबेथ को ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने के लिए पैसे जुटाने की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। दूसरे दिन वो अपने क्लास जाती है और अब वो सभी स्टूडेंट से स्ट्रिक्ट होकर के पढ़ाने लगती है ताकि उसकी क्लास के स्टूडेंट टॉप आ सके और उसे पैसे इनाम में मिल सके। इसी दौरान रसेल और एलिजाबेथ के बीच दोस्ती भी काफी अच्छी होने लगती है और दूसरी ओर एमी और स्कॉट दोनों डेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ ने स्टूडेंट को पूरे साल नहीं पढ़ाया था, इसलिए उसे जल्द ही ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी कोई भी स्टूडेंट टेस्ट में टॉप नहीं करने वाली। ये जानकर एलिजाबेथ हार नहीं मानती और वो अपने स्टूडेंट को टॉप करवाने के लिए एक प्लान बनाती है। फिर एलिजाबेथ अपना हुलिया बदलती है और फिर वो एक न्यूज रिपोर्टर बनके उस टेस्ट करवाने वाले प्रोफेसर से मिलती है। उस प्रोफेसर से मिलकर एलिजाबेथ उसे सेड्यूस करती है और फिर प्रोफेसर उसे लेकर के अपने ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ उस प्रोफेसर के ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिला देती है जिसे पीने के बाद वो प्रोफेसर बेहोश हो जाता है और फिर एलिजाबेथ उस टेस्ट के आंसर शीट को चुरा लेती है। अब करीब एक महीने बाद वो एग्जाम होती है और इस एग्जाम में एलिजाबेथ के स्टूडेंट टॉप करती है और फिर एलिजाबेथ को $5,700 मिल जाती है। ये देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा पाएगी। लेकिन दूसरी ओर एमी बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो $5,700 नहीं जीत पाई। फिर कुछ दिन बाद स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर के ट्रिप में जाने का प्लान बनाते हैं तो एमी स्कॉट के साथ इस ट्रिप में ना जा सके, इसलिए एलिजाबेथ एमी के एप्पल में कुछ मिला देती है। फिर जैसे ही एमी वो एप्पल खाती है तो उसके फेस पर रिएक्शन हो जाती है जिसके कारण से वो उस ट्रिप में नहीं जा पाती। फिर जब एमी एलिजाबेथ को स्कॉट के साथ ट्रिप में जाते हुए देखती है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर एमी स्कूल आती है और एलिजाबेथ से गुस्सा होने के कारण एलिजाबेथ के डेस्क को अपने क्लास में ले आती है और अपने डेस्क को एलिजाबेथ के क्लास में रख देती है। इसके बाद वो स्कूल के एक वर्कर को बुलाती है और एलिजाबेथ के डेस्क को अपना कहकर वो एलिजाबेथ के डेस्क का लॉक तोड़वा देती है। इसके बाद जब वो ड्रॉवर चेक करती है तब उसे टेस्ट के आंसर शीट यहाँ पर मिलते हैं, जिसे देख वो समझ जाती है कि आखिर कैसे एलिजाबेथ के स्टूडेंट ने टेस्ट में टॉप किया था। फिर एमी आंसर शीट को लेकर के प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। प्रिंसिपल ये सब जानकर गुस्सा हो जाते हैं और एमी से कहते हैं कि एलिजाबेथ को सजा दिलवाने के लिए हमें उस टेस्ट के इंचार्ज प्रोफेसर का स्टेटमेंट चाहिए होगा। फिर एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे डरा धमका कर गवाही देने के लिए तैयार कर लेती है। इधर ट्रिप के दौरान एलिजाबेथ स्कॉट को मैनिपुलेट करती है और फिर दोनों इंटीमेट होने की नाटक करते हैं, जिसकी खबर एलिजाबेथ एमी को दे देती है ताकि वो उसका और स्कॉट का ब्रेकअप करवा सके। जब एमी को इसके बारे में पता चलता है तब वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इधर अगली सुबह को एलिजाबेथ का एक स्टूडेंट गैरेट अपने क्रश को प्रपोज करता है तो उसका क्रश उसे मना कर देती है और सबके सामने गैरेट की बेइज्जती करती है। गैरेट को देखकर एलिजाबेथ को रियलाइज होता है कि वो भी रसेल के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। रसेल उसे इतना ज्यादा प्यार करता है लेकिन वो उसे हमेशा इग्नोर करती है। फिर एलिजाबेथ गैरेट की मदद करने की सोचती है और फिर वो अपना ब्रा गैरेट को दे देती है। फिर एलिजाबेथ सबसे कहती है कि उसने गैरेट को एक सीनियर लड़की के साथ मेकआउट करते हुए पकड़ लिया है। फिर गैरेट भी एलिजाबेथ की दी हुई ब्रा को सबको दिखाता है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि एलिजाबेथ झूठ नहीं बोल रही है और गैरेट ने सच में किसी सीनियर के साथ मेकआउट किया है। और फिर सभी स्टूडेंट गैरेट के फैन हो जाते हैं।
इसी दौरान एमी उस ट्रिप में पहुंच जाती है और एलिजाबेथ को सबके सामने कहती है कि तुम्हारा जल्द ही पर्दा फाश होने वाला है कि तुमने कैसे टेस्ट के एंट्री शीट चुराए थे। ये सुनकर एलिजाबेथ उस प्रोफेसर को उसके गंदे फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करती है। दरअसल ये फोटोज एलिजाबेथ ने तब लिया था जब प्रोफेसर नशे में था। अब उन फोटोज को देखकर वो प्रोफेसर गवाही देने से इनकार कर देता है। इधर स्कूल में एलिजाबेथ को पता चलता है कि एमी ने उसके साथ अपने डेस्क को एक्सचेंज कर लिया है। एलिजाबेथ को पता था कि वो अपने डेस्क के अंदर ड्रग्स रखती थी, जो डेस्क अभी एमी के क्लास में है। फिर एलिजाबेथ प्रिंसिपल से कंप्लेन करती है कि एमी स्कूल में ड्रग्स लेती है। इसके बाद जब एमी का डेस्क चेक किया जाता है तब उसमें से ड्रग्स निकलती है जो कि एलिजाबेथ ने वहाँ पर रखा था। ये देखकर पुलिस एमी को अरेस्ट कर लेती है। एमी सबको बताने की कोशिश करती है कि ये डेस्क उसका नहीं बल्कि एलिजाबेथ का है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और फिर इस इंसिडेंट के बाद एमी को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एलिजाबेथ रसेल से मिलती है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों डेट करने लगते हैं और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।